कैंपस था ना उसके अंदर हम आ चुके हैं और यहाँ पर लाइफ साइंस जो भी बोर्ड्स लगे ना यहाँ आपकी क्लासेस के अपडेट्स हैं, इवन दो वो आपको पोर्टल पे भी मिलेंगे बट यहाँ पर भी। लेकिन पोर्टल है क्या? आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोर्टल के बारे में। पोर्टल के बारे में मैंने अपनी प्रीवियस बहुत सारी वीडियो में बात की है और आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा भी है कि पोर्टल एक्चुअल में होता क्या है, पोर्टल किस तरह से काम करता है। तो आज की इस वीडियो में यही डिटेल में बात करने वाले हैं। सो उसके लिए आपको ध्यान से ही वीडियो समझनी होगी ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो पाए पोर्टल को लेकर। और उससे पहले मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इस पोर्टल में बहुत सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी होती है जिसको मैं ब्लर करूँगा इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जैसे ही आप गूगल क्रोम पे जाते हैं ना, तो गूगल क्रोम पे आपको टाइप करना होता है ऑनलाइन न्यू विजन डॉट जी। जब आप टाइप करते हैं तो आपको एक पेज दिखेगा जिस पे आपको लॉग इन विद गूगल करना है। लॉग इन विद गूगल करने के बाद आपको एक आईडी जो कि आपकी यूनिवर्सिटी से प्रोवाइड की जाती है, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया कि जब आप न्यू विजन आते हैं ना तो आपको एक आईडी प्रोवाइड की जाती है, ईमेल आईडी। सो वही आईडी है, वहाँ पर आपको लॉग इन करना है अपनी ईमेल आईडी जो यूनिवर्सिटी से मिली है उससे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे ना तो यहाँ पर आपको जो सेमेस्टर चल रहा होगा उसका एकेडमिक जो भी है कैलेंडर वगैरह दिखाएगा। फिर आपको दिखेगा इफ़ यू विश यू कैन ओपन योर पोर्टल, आपको यहाँ से पोर्टल अपना ओपन कर देना। जब आप पोर्टल ओपन करते हैं ना, जैसे ही पोर्टल में एंटर करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आपको दिखता है पोर्टल में। अभी इंटरफेस को समझने के लिए हमें थोड़ा सा डिटेल में बात करनी पड़ेगी। ऊपर आप यहाँ देख सकते हैं आपको तीन ऑप्शन देख सकते, जहाँ यूनिवर्सिटी का है, सर्विस का है, यूनिवर्सिटी एंड चांसलरी। ये बाकी तीन ऑप्शन आपके लिए अभी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिक चीज़ समझना ज़रूरी है क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा भी नहीं बनाना है और आपको समझ में भी आना चाहिए। ये जो स्टूडेंट का ऑप्शन है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ चलते हैं। सो जब स्टूडेंट के ऑप्शन पे आप जाते हैं तो न्यू विजन के लोगों के जस्ट नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन ये दिखते हैं। इन ऑप्शंस को आपको एक एक करके समझाने वाला हूँ आज इस वीडियो में। सो अगर सबसे पहले बात करें माई स्कोर के बारे में, तो ये जो आप इंटरफेस खुला हुआ देख रहे हैं ना, ये माई स्कोर का इंटरफेस है। यहाँ पर आपके सारे सेमेस्टर की इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी कि आप कौन से सेमेस्टर के सब्जेक्ट कर रहे हैं इस टाइम, आपके उस सेमेस्टर में क्रेडिट कितने हैं, आपका जो भी मार्क्स है उस सेमेस्टर के, बेसिकली आप जब एग्ज़ाम देकर आते हैं ना, यहाँ पर एग्ज़ाम का रिजल्ट का वेट नहीं करना पड़ता आपको। लाइक अगर एमसीक्यू एग्ज़ाम है तो जैसे ही आप एमसीक्यू एग्ज़ाम अपना फिनिश करते हैं आपको रिजल्ट पता चल जाता है कि आप पास हैं या फिर क्या रिजल्ट हुआ है आपका। अगर ऑस्की की बात करें तो ऑस्की के लिए मिनिमम आपको वन डे का वेट करना पड़ता है, आपको एक दिन के अंदर आपका ऑस्की का रिजल्ट भी आ जाता है। जो भी मार्क्स अपडेट होते हैं ना वो सारे अपडेट होते हैं आपके इस पोर्टल पे माई स्कोर वाले पोर्शन। सो एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको अगर एक ओपन करके दिखाऊं तो इस तरह से ये आप देख रहे होंगे ना, यहाँ मेरे सारे सब्जेक्ट्स आपको दिखा रहा है और साथ में ही क्या स्कोर मुझे मिला है वो दिखाया है और उसके क्रेडिट कितने थे, हर सब्जेक्ट का कितना क्रेडिट था इस सेमेस्टर में, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ मिलती है। फिर चलते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे, जो कि ऑफ कोर्स मैं नहीं खोलने वाला। पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जहाँ पर आपका पासपोर्ट नंबर रहेगा, आपका फ़ोन नंबर रहेगा, आपका फ़ोटो रहेगा और बाकी सारी जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, टीआरसी नंबर वगैरह, वो यहाँ रहेगा। फिर चलते हैं ऑल शेड्यूल पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2022 और 2023 का जो फॉल सेमेस्टर है ना, उसके सारे सब्जेक्ट के शेड्यूल है क्या एक्चुअल में। अब सारे सब्जेक्ट्स का आपको क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि आपका सब्जेक्ट्स आप क्या लेने वाले हैं ये डिपेंड करता है कि आपके प्री रिक्वेस्टाइट पूरे हुए हैं या नहीं। हर सब्जेक्ट को पास करने के लिए उसके एक एलिजिबिलिटी है, लाइक आपको उससे पहले वाला ये सब्जेक्ट पर्टिकुलर पास करना पड़ेगा तभी आप वो दूसरा सब्जेक्ट ले पाएंगे। तो उसके लिए आपको, अगर आप सपोज कोई सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो उसका आप शेड्यूल देख सकते हैं यहाँ पर आके, जो कि ऑल शेड्यूल में दिखा है। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स के बारे में आपको पता चलेगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको आगे करने हैं कंप्लीट। सो ये बेसिकली, ये भी अभी आपके काम का नहीं है क्योंकि अभी आप लाइक फर्स्ट सेमेस्टर में है ना, तो इंट्रोडक्शन टू मेडिसिन में आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लेक्चर है और लेक्चर वगैरह होंगे या प्रैक्टिकल होंगे, जो भी आपका अपडेट होगा पर्टिकुलर सेमेस्टर का ना उसमें आपको यहाँ अपडेट मिलेगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं लेक्चर है और वो कब से स्टार्ट होने वाला है, यहाँ डेट दी गई है, फिर वो एंड कब तक हो जाएगा, यहाँ पर दिया गया है कि उसका पर्टिकुलर कोड क्या है उस सब्जेक्ट का, कि उस सब्जेक्ट के जो प्रोफेसर हैं वो कौन है, कब से स्टार्ट होने वाला है, वीक में कब कब होगा, यहाँ पर आप उसकी टाइमिंग देख सकते हैं और वो होगा किधर। ये NVU ऑडीमैक्स लिखा है ना, तो ऑडिटोरियम जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको दिखाया था ना, वहाँ पर ये लेक्चर होने वाला है। ये एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो आप इस तरह से ये सारे ऑल शेड्यूल में जाके देख सकते हैं। फिर आता है माई शेड्यूल के बारे में। सो माई शेड्यूल में क्या होने वाला है ना, आपने जो भी सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं इस सेमेस्टर में,
आपके एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, तो वो सब्जेक्ट की आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलती है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखाऊँ, तो आप यहाँ देखिए सेमिनार भी है हमारे, हमारे लेक्चर्स हैं, हमारे प्रैक्टिकल्स यहाँ क्या चल रहे हैं, उसके बाद लेक्चर्स के बाद अभी क्योंकि कोविड की वजह से लेक्चर्स अभी ऑनलाइन ही चल रहे हैं, पता नहीं वो ऑफलाइन कब से होंगे, ऐसा नहीं है सारे सब्जेक्ट्स के ऑनलाइन चल रहे हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके ऑफलाइन लेक्चर्स स्टार्ट हो चुके हैं, बाकी आपको प्रैक्टिकल और बाकी सारी चीज़ें जो भी सेमिनार्स वगैरह हैं वो आपको ऑफलाइन ही करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ आप लेक्चर देख रहे हैं, फिर सब्जेक्ट का नाम लिखा है, कौन से ग्रुप में आप हैं, हर लाइक यहाँ इमरजेंसी मेडिसिन अगर आप देखेंगे तो ये ग्रुप कौन सा है आपका, फिर उसका पर्टिकुलर कोड क्या है, वो कब से स्टार्ट होने वाला है, टीचर कौन है उसमें, आपके कौन से प्रोफेसर आपको पढ़ाने वाले हैं, कौन से मतलब वीक में किस दिन होगा वो सब्जेक्ट, वो है आपकी टाइमिंग दी गई है, और क्योंकि लेक्चर है तो ऑनलाइन होने वाला है, और आप ये प्रैक्टिकल का ऑप्शन देख रहे हैं ना, प्रैक्टिकल जो है वो ट्रोमेटोलॉजी हॉस्पिटल में होने वाले हैं, तो इस तरह से आपको पूरी जो भी रूम नंबर वगैरह रहेगा और जहाँ पर भी आपके लेक्चर्स होंगे वो सारे आपको दिख जाएंगे। स्केड्यूल ऑनलाइन के बारे में, देखिए ऑनलाइन के बारे में ये जब से कोविड हुआ है ना तब से ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर भी हमारे उसमें अपडेट होने लगे हैं, तो रिकॉर्डेड लेक्चर हैं ये, अगर आप देखना चाहें बाद में तो आप देख सकते हैं, ये रिकॉर्ड करके आपके पोर्टल पर डाल दिए गए हैं। माय एग्ज़ाम्स के बारे में अगर बात करें तो अभी जो भी आपका सेमेस्टर स्टार्ट होने के बाद मिड टर्म्स होते हैं या फिर फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी सारी अपडेट ना आपको इस यहाँ माय एग्ज़ाम्स पे जाके मिल सकती है। यहाँ आप देख सकते हैं इंटरनल मेडिसिन 5 का मेरा एग्ज़ाम आने वाला है, कब होने वाला है वो डेट यहाँ दी गई है, कितने बजे से स्टार्ट होगा, उसका एंड टाइम कब होगा, और वो उसका रूम नंबर क्या है, सीट नंबर, इवन आपको किस सीट पे जाकर उस रूम में बैठना है, या फिर मिड टर्म है या फिर फाइनल एग्ज़ाम है, वो सारी इन्फॉर्मेशन कंपोनेंट्स की आपको यहाँ दी जाती है। सो ये बहुत कन्वीनियंट है, आपको कहीं से कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट अपना पोर्टल खोलना, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ मिल जाएगी। फिर अगर बात करें कोर्स सिलेक्शन पर, कोर्स सिलेक्शन क्या होता है कि जब आपका सेमेस्टर स्टार्ट होता है ना तो सेमेस्टर के स्टार्टिंग में ही आपको अपने सब्जेक्ट्स को खुद सिलेक्ट करना पड़ता है, लाइक आपको प्रोफेसर से या किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन से जाके बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो एक्सेप्शन केस रहते हैं अगर आपको कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट चाहिए या फिर आपको आपका क्रेडिट का कोई इश्यू चल रहा है, बट वैसे आप अपने सारे सब्जेक्ट्स यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये जो इमरजेंसी में लाइक आपने सारे सब्जेक्ट सिलेक्ट किए और उसके अकॉर्डिंग जो भी आपके क्रेडिट रहेंगे वो क्रेडिट आपको मिल जाएंगे, सो ये बहुत ईजी और कन्वीनियंट है। अभी देखिए नेगेटिव चीज़ क्या है, मैं आपको बता देता हूँ, नेगेटिव चीज़ ये है कि कई कई बार ये पोर्टल खुलने में थोड़ा टाइम लगता है अकॉर्डिंग टू कि आपने फ़ीस कब पे की है, तो कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट्स लेट फीस पे करते हैं उस सेमेस्टर की, तो इसलिए ये पोर्टल खोलने में भी टाइम लगता है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये पोर्टल जो आप सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं ना, ये आप तभी कर सकते हैं जब आपकी उस सेमेस्टर की फ़ीस सबमिट हो जाती है, तो जब आप फ़ीस सबमिट कर देते हैं ना तब आप यहाँ पर ये सब्जेक्ट को चूज़ कर पाते हैं, तो कई कई बार इसमें टाइम लग जाता है अकॉर्डिंग टू कि आपने फ़ीस कब पे की है। फिर हम बात करते हैं फाइल सिस्टम की, फाइल सिस्टम में जाकर आपको अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, लाइक आपको फ़ीस रिसिप्ट चाहिए या फिर आपको आपको अपना स्नोवा चाहिए अपनी TRC अपडेट कराने के लिए, तो वहाँ पर आप यहाँ फाइल सिस्टम में जाकर उनको एप्लीकेशन डाल सकते हैं और वो फाइल सिस्टम से आपको एप्लीकेशन अप्रूव करेंगे और वहाँ से आपको वो डॉक्यूमेंट जो भी आपको चाहिए होगा वो मिलेगा। ट्यूटोरियल्स में ऑब्वियसली जो भी ट्यूटोरियल्स होंगे वो सारे आपको अपडेट यहाँ मिल जाएगा कि ट्यूटोरियल्स का नेम क्या है, कब स्टार्ट होने वाला है, उसकी डेट टाइमिंग सारी चीज़। ये है सेमेस्टर GPA। सेमेस्टर GPA में आप यहाँ सेमेस्टर का अपना सारे सेमेस्टर्स का GPA देख सकते हैं क्या रहता है। ऑनलाइन लेक्चर की बात करें तो वही अगेन ऑनलाइन लेक्चर रिकॉर्डेड लेक्चर है सारे सब्जेक्ट्स के। माई कैलेंडर में अगर आप जाएंगे तो जो भी आपके ऑनलाइन क्लासेस सपोज हुई इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की या कोई भी ऑनलाइन क्लास हुई तो उसका अपडेट आपको इस कैलेंडर में मिलेगा कि आपको कौन से दिन है, इवन उसका नोटिफिकेशन भी आपको आ जाएगा ताकि आपकी क्लास मिस ना हो पाए। तो अगर इंश्योरेंस की बात करें तो यहाँ से आप इंश्योरेंस बाय कर सकते हैं न्यू विजन यूनिवर्सिटी का। अभी ऐसा भी हुआ है कि जिनके क्लिनिकल रोटेशंस हैं, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा रिस्क है पेशेंट लाइक बहुत ज़्यादा रिस्क है कि स्टूडेंट्स को भी कोविड हो जाएगा, तो उस रिस्क की वजह से यहाँ पर इंश्योरेंस की फैसिलिटी दी गई है, तो आप यहाँ से इंश्योरेंस बाय कर सकते हैं न्यू विजन यूनिवर्सिटी का। फिर अगर बात करें NVU कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, तो जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट जो भी फ़ीस का कॉन्ट्रैक्ट है या जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। NVU कॉन्ट्रैक्ट इन जॉर्जियन लैंग्वेज में भी कर सकते हैं और यहाँ पर आप इंग्लिश लैंग्वेज में भी डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। देन बिलिंग के बारे में बात करें तो बिलिंग में आपकी फ़ीस कितनी पे हुई है, अभी कितना ड्यू अमाउंट बचा है, आपकी लास्ट डेट क्या है फ़ीस पे करने की, तो वो सारी अपडेट आपको यहाँ मिल जाती है जिसमें आप अकॉर्डिंगली फ़ीस पे कर सकते हैं।
फीस के बारे में मैं आपको बताऊँ, आप सेमेस्टर वाइज फ़ीस भी सबमिट कर सकते हैं, या फिर आप सेमेस्टर का भी 25% फीस पे करके अपना पोर्टल ओपन कर सकते हैं। लाइक ये जो चीज़ है वो आप ओपन कर सकते हैं ताकि आपका सेमेस्टर एटलीस्ट स्टार्ट हो जाए, बट एक ड्यू डेट के टाइम के अंदर अंदर आपको वो फ़ीस पे करनी होती है पूरी सेमेस्टर की। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक हेल्पफुल रहता है, क्योंकि कई कई बार स्टूडेंट सिर्फ सेमेस्टर वाइज फ़ीस पे करते हैं, पूरा होल ईयर की नहीं करते हैं। अच्छा, अभी इसके लिए क्योंकि मैंने ये इंस्टॉलमेंट की बात की है ना, तो मैं आपको बस ये ऑप्शन ज़रूर दिखा दूंगा कि इंस्टॉलमेंट में आप यहाँ जाएंगे ना, चांसलरी में क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर आता है इंस्टॉलमेंट एग्रीमेंट। सो आप इंस्टॉलमेंट एग्रीमेंट को भी यहाँ से अप्रूव करा सकते हैं, आप यहाँ पर एप्लीकेशन डाल सकते हैं और वो विद इन वन डे लगता है और वो अप्रूव हो जाता है। तो या तो आप अपनी फ़ीस को सेमेस्टर वाइज भर सकते हैं, या फिर आप अपनी फ़ीस को सबमिट कर सकते हैं लाइक 25% ऑफ दैट पर्टिकुलर सेमेस्टर। तो 25% करनी है पहले, फिर 25 करनी है, इस तरह से आपको लास्ट सेम लाइक ड्यू डेट से पहले पूरी फ़ीस सबमिट करनी है उस पर्टिकुलर सेमेस्टर की। सो आई वुड से कि ये जो इंस्टॉलमेंट का एग्रीमेंट का सिस्टम है ना, ये कई कई बार बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, तो आप इस पर ज़रूर कंसीडर कीजिए। और सो होप आपको समझ में आया होगा कि पोर्टल कैसे काम करता है, कैसे सारी चीज़ें काम करती हैं। और कोई भी डाउट्स अगर आपके होंगे तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।